हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खास गर्मियों के लिए ठंडा ठंडा हेल्दी और टेस्टी शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने प्रीमिक्स से सिर्फ 2 मिनट में बनाकर तैयार किया है। तो वो प्रीमिक्स बनाना भी मैं आज आपको बताऊंगी, जिसे मैंने हेल्दी और टेस्टी चीज़ों से बनाया है। इससे आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ इस तपती हुई गर्मी में आपको बहुत ही ठंडक और राहत मिलने वाली है। और इस शरबत को बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी बहुत मजे से पियेंगे। तो देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम प्रीमिक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी 1 कप चीनी, भरकर लेना है आपको चीनी। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर। ये आपको इजीली ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा ये कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला फ्लेवर का लिया, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे हेल्दी टेस्टी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच काजू, 2 बड़े चम्मच बादाम और 1 चम्मच पिस्ता लिया है, और 5 से 6 हरी छोटी इलायची। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे इस शरबत में। इनमें से कोई भी चीज जो आप लाइक नहीं करते हैं या घर में ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लीजिए। इनके बगैर भी आप इस शरबत को बना सकते हैं। तो सारे डाल देंगे और यहाँ पर बिल्कुल फाइन पाउडर में पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट डालने से हमारे शरबत को एक गाढ़ापन मिलेगा और बढ़िया सी ड्रिंक बनके तैयार होती है। तो ये ड्रिंक जो है वो ऐसी वैसी ड्रिंक नहीं है, एक हेल्दी ड्रिंक है। आप जब इसे पियोगे तो बहुत ही एनर्जेटिक आपको महसूस होगी, मजेदार ठंडी ठंडी ये ड्रिंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। तो अभी हम इस प्रीमिक्स में थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता के कतरन डाल देते हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, लाइक नहीं करते हैं तो स्किप कर दे। इसके बगैर भी आप ये ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। साथ ही डाल देते हैं कुछ केसर के धागे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है और कलर भी बढ़िया हो जाता है। कुछ रोज पैटर्न्स के ये मेरे पास सूखी गुलाब की पत्तियां हैं जो मैंने मार्केट से खरीदा है। आप चाहे तो ताजी गुलाब की पत्तियां भी डाल सकते हैं, वो और अच्छा लगेगा। इसे डालने से हमारे शरबत के लुक में 4 चांद लग जाएंगे। ये सभी चीज़ें डालने से क्या होगा कि ड्रिंक हमारा एकदम रिच और हेल्दी वाला तैयार हो जाएगा। उस वक्त हमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये हमारा कस्टर्ड शरबत प्रीमिक्स तैयार है, एकदम हेल्दी, रिच और इतना टेस्टी कि जो एक बार पिए फिर आपसे दोबारा मांगे, इतना ये स्वादिष्ट बनेगा। अब इस प्रीमिक्स से मैं आपको 2 मिनट में ड्रिंक बनाना बताऊंगी। तो एक बार आप ये प्रीमिक्स बना लिया और आपको इसे स्टोर करना है तो कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, आप कोई भी एक टायर कंटेनर ले ले, कांच का हो या प्लास्टिक का कोई भी, या फिर कोई टिफिन, और बस फटाफट से इसको हम डाल देंगे। और डालने के बाद कुछ भी नहीं करना है, बस ढक्कन लगा देना है। और सच में इसके बाद आपको सिर्फ 2 मिनट का ही समय लगने वाला है इसे बनाने में। तो इस तरह से जार में भरकर स्टोर कर ले, पूरी गर्मी के लिए आप बना लीजिए और 2 से 3 महीने ये आराम से चलने वाला है। आपको इसे ऐसे ही कहीं भी अटैच करके रख ले, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसे फ्रिज में ही रखें। तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। तो पहले हमने गैस पर दूध को उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 2 आदमियों के हिसाब से 2 ग्लास दूध डाल दिया है उबलने के लिए। फिलहाल मैं अभी 2 ग्लास ही ड्रिंक बना रही हूँ। अब यहाँ जब तक दूध में बॉयल आना स्टार्ट नहीं होता तब तक हम प्रीमिक्स का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कटोरी, और इस कटोरी में हम जितना ग्लास आपको जो बनाना है दूध, उतना ही चम्मच से जो है प्रति ग्लास के लिए आप 1.5 चम्मच प्रीमिक्स ले ले। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास ड्रिंक बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 3 चम्मच भरकर प्रीमिक्स ले लिया है। तो ध्यान रखे कि खाली नहीं लेना है, भर के ही लेना है आपको ये प्रीमिक्स। और इसमें हम 1/2 कप के करीब नॉर्मल ठंडा दूध इसमें ऐड कर देंगे। दूध की जगह आप पानी से भी इस घोल को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मार्केट में बोतल वाला दूध वगैरह मिलता है ना, ये बिल्कुल वही वाला फ्लेवर आपको देगा। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, इतना ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। और यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे दूध में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब दूध उबल गया है, और अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। दूध को खूब ज़्यादा पकाना है या फिर गाढ़ा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें, बस दूध को गर्म करना होता है। और जैसे आपका दूध उबल जाए तो इसी स्टेज पे ये हमने जो प्रीमिक्स का घोल तैयार किया है इसे हम इस दूध में डाल देंगे। तो इसे आप एक बार चला ले और इस तरीके से ऐड कर दे इसके अंदर। इसमें केसर वगैरह है, बादाम, काजू, पिस्ता है, इसका पेस्ट है, तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और इसका जो कलर भी है वो भी चेंज हो जाएगा। तो बस 2 मिनट ही इसे पकाना है, ये 2 मिनट में ही पककर तैयार हो जाएगा। तो इसे आपको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा अपने आप गाढ़ा होने लगेगा, आप देखिएगा। क्योंकि हमने इसे कस्टर्ड पाउडर से बनाया है, तो कस्टर्ड पाउडर क्या काम करता है, गाढ़ा होने का काम। तो ज्यादा नहीं पकाना है इसे। तो बस ये पक गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। बहुत ही अच्छा पक के तैयार हुआ है, अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, ठंडा होने पर इसके ऊपर मलाई सी पड़ गई है, आप देख सकते हैं कितनी मोटी पड़ी हुई थी।
आधा चम्मच मैंने इसमें गुलाब जल डाल दिया है। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हमने रोज पैटर्न्स डाल ही दिया है, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने लगता है। तो अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर से डालिएगा, मजे का इसका फ्लेवर आएगा। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच गुलकंद, जो गुलाब के फूल के गुलकंद मिलते हैं जो मीठे पान में यूज किया जाता है। बस ये वही है, आपको इजिली ग्रोसरी स्टोर पर कहीं भी मिल जाएगा, या फिर ना मिले तो पान वाली दुकान पर जाके बोलेंगे तो वो आपको दे ही देगा, वहाँ तो रहता ही है। आपको पसंद हो तो ही डालना, नहीं तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस शरबत में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगी। साथ में हम ये थोड़े से आइस क्यूब्स डाल देंगे, भाई इसे तो डालना बनता ही है, इससे आती है एकदम ठंडी ठंडी वाली फीलिंग। तो बस आप इसे सर्व कीजिए, अगर आपको मीठा कम लगे तो चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी मिठास एकदम परफेक्ट है, तो मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम तो आ ही चुका है, ऐसे में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ इस तपते हुई गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए शरबत जो है वो मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये हेल्दी टेस्टी शरबत की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।